अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप के सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। ऑल राइट, आज दिन है 20 अप्रैल 2021 और वक्त हुआ है गालबन कोई 3 बजे के आसपास का। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बैरियर टाउन फेज 8 रावलपिंडी के रफ़ी ब्लॉक में, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रफ़ी ब्लॉक, अपनी लैंडस्केप के हवाले से काफ़ी मशहूर है। एक गली में एंटर हों तो थोड़ी ऊंचाई आ जाती है, आगे जाके फिर थोड़ी स्लोप आ जाता है। इस तरह का ये ब्लॉक है और बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ आकर के फीलिंग ये आती है कि एक बहुत ही पुरसकून और काम विसिनिटी है। बहरहाल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से चल रही है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन है। अप्रोचेस यहाँ पर बहुत ही आला है, गलियों का साइज़ 50 फुट है और मज़े की बात है कि इस ब्लॉक को मुख्तलिफ बुलेवार्ड्स क्रॉस कर रही हैं, यानी कहीं पे 100 फुट की बुलेवार्ड है, कहीं पे 80 फुट की है, कहीं पे 60 फुट की है, तो वो आपस में लिंक कर रही हैं। चीज़ें यहाँ पर सारी ऑपरेशनल हैं, कमर्शल एक्टिविटी, मस्जिद, फिल्टर प्लांट, इसके अलावा सर्विसेज में देखा जाए तो गैस, बिजली, पानी, डेफिनेटली वो हर जगह यहाँ पर मौजूद हैं। लोग काफ़ी तेज़ी से घर बना रहे हैं और यहाँ पर 2 किस्म के प्लॉट अवेलेबल हैं। 5 मरले में 2 साइज हैं, 25x45 और 30x40। इसके अलावा जो 8 मरले का साइज़ है वो 30x60 का साइज़ है, 30x60 8 मरले कहलाएगा। 8 मरले काफ़ी कम है, मेन कमर्शियल एरिया के साथ ही एक थोड़ी सी जगह है वहाँ पर है, उसके बाद मस्जिद को हम क्रॉस करते हैं तो थोड़ा सा आगे जाकर लेफ्ट हैंड के ऊपर 2-3 गलियाँ हैं वहाँ पर 8 मरलें। इसके अलावा कम्युनिटी है 5 मरले की है और इसके अलावा 8 मरले का एक और यहाँ पर जगह है जो कि बैरिया ने ज़मीन रिजर्व की हुई थी, बाद में फिर उन्होंने लॉन्च किए, जो कि लीनियर कमर्शियल और रफ़ी ब्लॉक के दरमियान आते हैं। वहाँ पर भी काफ़ी सारे 8 मरले हैं लेकिन रफ़ी ब्लॉक ही कहलाएगा। तो बहरहाल ये एक बहुत अच्छी जगह है, ज़बरदस्त किस्म की लैंडस्केप है, कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से है और ये उन हज़रात के लिए ज़्यादा बेहतर है जो अगले ब्लॉक्स में जाके ज़रा से महंगे प्लॉट ले लेते हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है रफ़ी ब्लॉक, क्योंकि शुरू में पड़ता है। अगर हम जीटी रोड से कैलकुलेट करें तो हार्डली कोई 6 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा और क्लॉक टावर से अगर हम कैलकुलेट करें तो हार्डली कोई 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का फासला यहाँ पे पड़ेगा। 2 अप्रोचेज बनती हैं, एक आप जापान रोड से भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं कमर्शियल और मेंटेनेंस ऑफिस के साथ ही रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, और दूसरा मेन एक्सप्रेस वे है जो कि DHA विलाज और ओवरसीज सेक्टर को क्रॉस करती हुई रफ़ी कमर्शियल से एंटर होती है। काफ़ी हाइट की जगह है, 5 मरले की कम्यूनिटी है, काफ़ी आबादी यहाँ पे, कह सकते हैं कि 30-35% इधर आबादी अभी है। इतनी आबादी है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आइसोलेशन फील नहीं होती, कि कोई घुटन ज़्यादा सा माहौल फील नहीं होता है। उसकी जस्ट वजह यही है कि यहाँ पे 5 मरले काफ़ी गलियाँ काफ़ी बड़ी दी हुई हैं, 50-50 फुट की हैं और बहुत अच्छी एलिवेशंस के साथ यहाँ पर घर बनते हैं। कुछ अरसा पहले यहाँ पर प्रॉब्लम थी लैंड के हवाले से लेकिन बहरहाल वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जदीद कंस्ट्रक्शन की वजह से अब वो रिजॉल्व हो चुकी है। तो बहरहाल ये एक अच्छी जगह है, मस्जिद, स्कूल, बच्चों के कमर्शियल एरियाज यहाँ सारे के सारे, सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे, कुछ प्राइवेट स्कूल भी खुले हुए हैं जिनका फ्यूचर में कभी गाइड किया जाएगा। रेट्स एज यूजुअल डेली बेसिस के ऊपर, वीकली या मंथली चेंज होते हैं, डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे। तो यकीनी तौर पे ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो अगले ब्लॉक्स हैं उनसे कुछ थोड़े से अगर पैसे बढ़ा लिए जाएं या लगभग उन्हीं रेट के अंदर आपको यहाँ पे एक 5 मरले का प्लॉट मिल सकता है। कॉर्नर और बुलेवार्ड और एक्स्ट्रा लैंड वाले प्लॉट डेफिनेटली वो आज ही महंगे हो गए। तो ये एक ओवरव्यू था, आने का मकसद और दिखाने का मकसद ये था कि जो लोग अगले ब्लॉक्स में जा रहे हैं घर बनाने के लिए एक नज़र यहाँ पे भी देख लें। काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत आबादी है, बहुत आबादी है,
और डेफिनेटली जहाँ पे आबादी होती है वहाँ पे लोग फिर रहना ज़रा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये मेरा ओवरव्यू था यहाँ का, विजिट था, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि इसके ऊपर गाय बगाए काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आती रहेंगी जो कि यकीनी तौर पे हेल्प आउट करेंगी, और वो हजरात जो कि आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं या आउट ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद हैं उनके लिए एक अच्छा ओवरव्यू साबित हो सकता है कोई भी चीज़ परचेज करने के हवाले से या सेल करने के हवाले से। तो कीप इन टच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का दबाएं, सब्सक्राइब लाजमी करें जी मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने से हिम्मत बढ़ती है और मोटिवेशन मिलती है। तो बहरहाल ये एक अच्छी जगह है, आइसोलेशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, बड़ी बड़ी गलियाँ हैं, बड़े बड़े रोड्स हैं, अच्छे स्टैंडर्ड के यहाँ पर घर बने हुए हैं। घर बनाने और प्लॉट रखने के लिए बेहतरीन बेस्ट जगह है, स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पर मस्जिद और कमर्शियल एरियाज बने हुए हैं जहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद है। दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।